जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, यहाँ पे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए दसवीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए ये बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, यदि 2/3, (a, 2) किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो एक का मान होगा। तो यहां पे ध्यान से देखिए, पहला पद क्या है, पहला पद हो गया कितना 2/3, दूसरा पद क्या हो गया a, और तीसरा पद क्या हो गया 2। तो यहां तो किसका मान पूछा है, a का मान ना, तो सार्व अंतर निकालेंगे तो दूसरा माइनस पहला पद और तीसरा माइनस दूसरा पद। ठीक है, तो ये ए है, ये माइनस है, इस और आएगा तो किस में जाएगा, पक्षांतर से प्लस में हो जाएगा ना, 2+, ये माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो 2a = 1 और 3 का लॉस हो 3 हो गया, 1 + 3 तो 6+2, तो 2a = कितना हो गया 8/3, या a = 8/3 गुने ए के लिए 2 गुना में इधर आएगा भाग में 2 + 4 = 8, इसलिए ए का मान कितना हो गया 4/3, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा जो क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद है, तो बउआ पहला पद को ए से सूचित करते हैं तो ए का मान हो गया कितना 3, डी का मान हो गया पीछे 7 में से 3 हटाएंगे तो कितना हो गया 4। तो सूत्र क्या होता है, एन या टी एन जो रखिए, सूत्र क्या होता है, a + (n-1)(d) होता है, तो a का मान कितना हो गया 3+, पद आपको ज्ञात करना 14वां पद, तो 14 - 1 × d का मान कितना हो गया 4, तो 3+(14 - 1)/13 × 4, तो 3+(13)/52 हो गया कितना 55। यहाँ पे आप एक स्टेप और बढ़ सकते हो, 11 - 7 कीजिए तो फिर 4 बचेगा, मतलब 2 से 3 बार आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 स्टेप है तो 2 स्टेप में चेक करेंगे। ठीक है, कम से कम 2 स्टेप कर ही लीजिएगा कंफर्मेशन के लिए, तो कितना आ गया 55 आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n - 7 है तो इसका प्रथम पद होगा, 5n - 7 है ना, तो एक n का मान रखेंगे 1, तो 5 × 1 - 7, तो 5 + 5 - 7 = हो गया -2, और यही हो गया मेरा प्रथम पद, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 126, 120, 114, कौन सा पद 0 है, तो इसका जो सूत्र होता है बउआ TN या AN जो लिखिए, a + (n-1)(d) होता है। ठीक है, तो कौन सा पद 0 है, तो यहाँ पे TN का मान दे दिया है 0, a का मान यहां से देखिए क्या होगा 126, प्रथम पद को a से सूचित करते हैं ना, n का मान निकालना है, और d का मान यहाँ पे देखिए, अब d का जो मान है, d का मान हम निकालेंगे कैसे, दूसरा पहला को घटाएंगे, 120 - 126 तो हो गया -6, या फिर 114 - 120 को घटाइए तो -6 आ रहा है, तो डी का मान कितना हो गया -6। ठीक है, तो या 0 = 126 - 6 × n करेंगे तो -6n - 6 × -1 करेंगे तो हो जाएगा +6। ठीक है, तो ये माइनस इधर माइनस में है बउआ, इस और लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 6n = 126 + 6 = 32, या n = 132/6, 22/6 होता है बतील से, इसीलिए n का मान कितना आ गया 22, तो हो जाएगा 22वां पद, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला जो प्रश्न, यदि x + 2, 3x + 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान, मतलब इस तरह का यदि क्वेश्चन रहे,
या फिर पहला नंबर की तरह क्वेश्चन रहे तो सार्वंतर निकालिए, क्योंकि सार्वंतर तो किसी भी समांतर श्रेणी का बराबर होता है यदि वो समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे बोल दिया समांतर श्रेणी में है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद कर देंगे, तो 3x यहाँ पे है, 3x माइनस एक्स प्लस 2 और तीसरा में से दूसरा कर देंगे बराबर करके, तो 4x प्लस 1 माइनस 3x। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 3x माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस और तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अंदर में कौन चिन्ह है, प्लस में। तो 4x माइनस 3x हो गया x प्लस 1, 3 माइनस एक्स हो गया 2x माइनस 2 बराबर एक्स प्लस 1। अब x वाला को इधर लाइए और अचर पद को उधर भेजिए, तो 2x माइनस एक्स बराबर, तो 1 प्लस ये माइनस उधर जाएगा प्लस में जाएगा, कितना हो गया 2, ठीक है। तो इसलिए x बराबर कितना हो गया 3, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में भी समांतर श्रेणी का कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ठीक ना।